వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ. నేను రాజీ. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్ చూద్దాం. ఖమ్మం జిల్లా వైరా నియోజకవర్గం ఎన్కూరు మండల కేంద్రంలో కొత్తమేడిపల్లి గిరిజనుల సమస్యలు తెలుసుకున్న సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు బృందా కారత్, వైరా డివిజన్ ఇన్ఛార్జ్ భూక్యా వీరభద్రం. जमीन से हटा रहे हैं या हटाने का प्रयत्न किया? कानून के खिलाफ लेकिन आपका कितना सर्वे करना पड़ता है? 3,000-4,000 एक आशा वर्कर महीना में? They are getting incentives from you by their work. What they work, they will give on. No. Like only service are to one. Aise to Telangana government gives Asha worker only for reproductive, na? Pregnant woman ko lekar jao. Yes. Incentive. They want a fixed salary. कुछ भी नहीं. जनवरी है, रिपब्लिक डे है, संविधान का दिवस है, लेकिन इधर आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार को मोदी सरकार और यहाँ तेलंगाना की सरकार दोनों एक साथ मिलकर एक ही नीति चला रहे हैं. और विशेषकर इस इलाके में जहाँ फिफ्थ शेड्यूल का पूरा अधिकार आदिवासियों और ट्राइबल्स का है, वहाँ पट्टा नहीं देने की और यहाँ प्लांटेशन करने की, और इस विशेष क्षेत्र में जहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ हाउसहोल्ड सर्वे में भी आदिवासियों के हाउसेस को उन्होंने सर्वे नहीं किया. क्या आदिवासी इस देश के नागरिक है या नहीं है? क्या आदिवासी का घर इस देश की धरती पर है या नहीं है? क्या आदिवासियों का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो अधिकार है, ये सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? तो इसलिए आज इस पूरे क्षेत्र में आदिवासियों का मोर्चा लगा है और हम डिमांड करते हैं संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो आदिवासियों की अधिकारों को छीन ले. इसलिए हम यहाँ आए हैं. इन्होंने हमें ये दिया है, ये मेमोरेंडम दिया है यहाँ के आदिवासी साथी. उनका हाउसहोल्ड सर्वे में आदिवासियों का हाउसेस सर्वे नहीं हो रहा है, मतलब ये देश के नागरिक नहीं है. तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ आए.